एक बंदे को मैं जानता हूँ। जिसके घर को देख के एक चीज जाहिर होती है कि उस घर में जो चीज दस्तयाब है वो है गुर्बत, वो है मुफलसी। बहुत आम सा बंदा है, बहुत आम सा घराना है कि जिनके होने ना होने से मैंने कहा इस मुआशरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आम सी सूरत, आम से काम, एक आम सा नाम। मैंने कहा जिनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। एक घर है जो मट्टी से और पत्थरों से बना है, खेतों के बीच में। अरे जानते हैं वो कैसा मकान है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। कभी इनके खेत से, कभी खान साहब के खेत से, कभी हाजी साहब के खेत से गुजर के घर तक पहुंचना पड़ता है। कभी इनकी बातें, कभी उनके ताने। तो घर कुछ ऐसा है। खानदान के तमाम लोगों ने तर्क ताल्लुक किया। खानदान के तमाम बड़े लोगों को लगता था कि हमारी खुशियों में, हमारी तकरीबात में, हमारी महफिलों में आप आते हैं तो हम नादिम होते हैं, आप हमारे लिए शर्मिंदगी की वजह बनते हैं, तो बराए मेहरबानी हमसे ताल्लुक ना जोड़िएगा। इस तरह से उनका घर खेतों के बीच में पूरी दुनिया से अलग थलग था, बिल्कुल उसी तरह से उस घर का हर फर्द इस मुआशरे से अलग कर दिया गया। मैंने कहा वो आम सा लड़का है, आम सा नाम है, जिसके आम से काम है। और मैंने कहा इस मुआशरे को लगता है कि उसके होने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा वही घर जिसके लिए खेतों में से सफर करके, खेतों में से गुजर के पहुंचना पड़ता है। अरे इतनी हैसियत नहीं है, इतनी इस्तेदाद नहीं है कि पैसे इकट्ठे करके जमीन का टुकड़ा लेके अपने लिए रास्ता बनाया जाए। कितनी अजीब सी घुटन होगी कि घर है मगर रास्ता नहीं है, घर है मगर खुशियां नहीं है। अरे किसी तरह से मैट्रिक कर लेता है वो लड़का। मैट्रिक करने के बाद दिल में ख्वाहिश रखता है कि यार पढ़ेंगे, मैंने भी बाकी लोगों की तरह पढ़ना है। दाखिले के लिए पैसे मांगे तो किससे मांगे। एक मामा है जो जमीनों का हिसाब रखते हैं, जमीनों का कारोबार करते हैं, जमींदारी करते हैं। सुना है बहुत पैसा है उनके पास, चलो उनके पास चलता हूं, उनसे मदद मांगता हूं। मामा के पास गए, मामा जी मैंने मैट्रिक कर लिया है, आगे पढ़ाई करनी है, मुझे 2000 चाहिए। मामा ने बात को नजरअंदाज किया, सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रखा, ये करवाया वो करवाया। जब शाम ढलने लगी तो दोबारा से ये लड़का मामा से कहता है, मामा जी सिर्फ 2 दिन रहते हैं, मुझे 2000 दे दें, मेरी तारीख निकल जाएगी। अरे मामे की तरफ से रुसवाई मिली, तंज मिला, जुमले मिले, क्या करोगे पढ़ाई करके, मुंशी बनोगे, आओ मेरी जमीनों का हिसाब रखो, मैं तुम्हें अभी से मुंशी बनाता हूं। मामा प्लीज मुझे सिर्फ 2000 चाहिए, मेरी तारीख निकल जाएगी। मामा ने ना चाहते हुए 1000 का नोट हाथ में थमा दिया। वो जुमले सुनने के बाद वो लड़का वहां से रुखसत होता है, किसी तरह से किसी और के आगे मिन्नत समाजत करके 1000 का एक और नोट पकड़ता है। किसी तरह से दाखला ले लेता है, पढ़ाई करता है। अरे लोग, सुना है लोग 3 वक्त का खाते हैं, अरे इसे तो कभी
शायद एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन भाई पढ़ूंगा। मुझे कोई दौलत से मोहब्बत नहीं है, मुझे किसी चीज के लालच नहीं है, मुझे बस अपने घर के लिए जमीन की एक पट्टी चाहिए जिससे मैं अपने घर का रास्ता बना सकूं। मुझे क्या लेना देना बड़े लोगों से, बड़ी महफिलों से, मुझे अपने रिश्तेदारों की तरह नहीं बनना, मुझे मालदार नहीं बनना, मुझे तो बस जमीन का एक टुकड़ा चाहिए, जमीन की एक पट्टी चाहिए। कि जिससे मैं अपने घर का रास्ता बनाऊं, मेरी माँ को, मेरे अब्बा को किसी और के खेतों में से गुजर के घर तक ना आना पड़े, किसी और की बातें ना सुननी पड़े। सफर आगे बढ़ता है, अरे वो सब बातें जहन में हैं, वो सब का ताल्लुक तोड़ देना, हर रिश्ता, हर खुशी, हर गम में खुद से अलग कर देना। कभी कभी अपने साथ सोचता है कि हाँ, ये दुनिया शायद अमीरों की है, इस दुनिया की आसाइशों पे, इस दुनिया की खुशियों पे शायद हक सिर्फ अमीरों का है। अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने घर के लिए, अपने घर की मुफलिसी और गुर्बत दूर करनी है, मुझे जमीन की पट्टी चाहिए जिससे मैं अपने घर का रास्ता बना सकूं। जिंदगी आगे बढ़ती है, पढ़ाई के साथ काम किए, लोगों के घरों में मजदूरी की, खेतों में काम किया, मुर्गियां पाली, अंडे बेचे, मुर्गियां बेचे, ट्यूशन पढ़ाई, बस मेहनत की और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैंने कहा जिंदगी आगे बढ़ती रही, देखें उस लड़के ने, वो क्या कहते हैं, उसे मास्टर की डिग्री ले ली है। अरे जहन में और कुछ नहीं है, मैंने कहा कोई लालच नहीं है, इस लड़के को कोई दौलत की मोहब्बत नहीं है, इस लड़के को आसाइशों से कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको कोई तलब नहीं है। मैंने कहा इस लड़के का दिल चाहता है, इस लड़के की ख्वाहिश है कि वो सिर्फ अपने घर की गुर्बत दूर करे, वो मुफलिसी दूर करे, वो ठंडा चूल्हा उस पे दोबारा से हांडी रखी हुई नजर आए, उसकी माँ को कोई जरूरत नहीं है जेवर की, कीमती कपड़ों की, अरे उसकी छोटी बहन कितनी बेवकूफ है, अपने भाई से कहती है भाई मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं मैट्रिक करूंगी तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूंगी, खूब पढ़ाई करूंगी, मेडिकल का टेस्ट दूंगी और भाई मैं डॉक्टर बनूंगी। अरे उसे क्या मालूम कि वो इस दुनिया में कि जिस पे अमीरों का हक है, कि जिसकी आसाइशों पे, कि जिसकी खुशियों पे सिर्फ बड़ों का हक है, और इस गरीब घर से, इस गरीब घर में उसकी छोटी बहन उससे कहती है ये भाई मैं भी डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा उस लड़के के दिल में कोई लालच नहीं है, कोई तलब नहीं है, वो तो बस मुफलिसी मिटाना चाहता है, उसको तो बस जमीन की एक पट्टी चाहिए या जिससे अपने घर का रास्ता बनाए। बाप ने गुर्बत की वजह से अपना आबाई घर बेच दिया था, आज भी उसका अब्बा उस घर की याद में बहुत सी बातें करता है कि उसके उस कमरे में हम खेला करते थे, कि उसके सहन में हम चारपाइयां बिछा के बैठा करते थे। मैंने कहा वो क्या कहते हैं, मास्टर कर लिया लड़के ने, एक छोटी सी मुलाजमत मिलती है, काम करता है। अरे लेकिन इन पैसों से मैं जमीन की पट्टी कैसे खरीदूं, मैं घर के लिए रास्ता कैसे बनाऊं,
अरे मुझे कोई और लालच नहीं है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे खानी नहीं चाहिए, बस मुफलिसी मिटानी है। अरे तो क्या हुआ कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे और मेरे घर वालों को खुद से अलग कर दिया, तो क्या हुआ कि उनका ये कहना कि तुम लोग हमारे लिए बाई से शर्मिंदगी हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेना देना इन लोगों से, मुझे क्या बदला लेना है इन बड़ों से। अपने मामा की वो बातें गांव के बड़ों की, अमीरों की बातें उनके ताने, अरे मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश करनी है, मुफलिसी मिटानी है, जमीन की एक पट्टी खरीद के अपने घर के लिए रास्ता बनाना है। सुना था कि एक इम्तिहान देना पड़ता है जिसमें पूरे मुल्क के लोग इम्तिहान देते हैं, जिसे हम मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं। किसी तरह से पैसे जोड़ के किताबें खरीदता है, पढ़ाई करता है। अरे मैंने कहा उसे कोई लालच नहीं है, उसे कोई हसद नहीं है, उसे कोई मुकाबला नहीं है, उसने तो बस मुफलिसी मिटानी है, उसने तो बस जमीन की एक पट्टी खरीदनी है कि जिससे अपने घर का रास्ता बना सके। दिल लगा के पढ़ा, बहुत मेहनत की, अरे इंतजार है कागज के एक टुकड़े का, एक खत का, इंतजार करता है। चंद महीने गुजरते हैं, डाकिया दस्तक देता है, बेटा तुम्हारे नाम का खत आया है। अजीब बेचैनी है, अजीब बेताबी है। वो लड़का खत खोलता है, अंग्रेजी जुबान में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, मुखातिब किया हुआ है कि हमें बहुत खुशी है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने मुकाबले का इम्तिहान नुमाया नंबर के साथ पास कर लिया है, इस बड़े शहर में आपकी तरबियत होगी, आपने इस तरबियत का आना है। अरे घर में बताया, खुशी, अरे खुशी का समा नहीं था, अरे माँ को क्या मालूम, अरे माँ जश्न कैसे मनाए, मिठाई कहाँ से लाए, फूल कहाँ से लाए, खुशियां कहाँ से लाए, फर्क नहीं पड़ा। बड़े शहर चला जाता है, उसी तरबियत गांव में, बड़े लोग, बड़े ठान, बड़े अंदाज, बड़ी शान, अरे मुझे इनसे क्या लेना देना, मुझे तो बस गुर्बत मिटानी है, मुझे तो बस मुफलिसी मिटानी है, जमीन की एक पट्टी चाहिए जिससे मैं अपने घर का रास्ता बना सकूं। वक्त आगे बढ़ता है, पहिया अपनी रफ्तार से घूमता है, तरबियत मुकम्मल करने के बाद एक खत की सूरत में बताया जाता है कि इस शहर में इस जगह पे आपका दफ्तर होगा। अरे मुझे क्या लेना देना बड़ों से, मैंने तो सिर्फ गुर्बत मिटानी है, मैंने तो सिर्फ मुफलिसी मिटानी है, जमीन की एक पट्टी चाहिए कि जिससे मैं अपने उस घर के लिए रास्ता बना सकूं जो खेतों के बीच में है, जिसका कोई रास्ता नहीं है, जो दुनिया से अलग थलग है। दफ्तर पहुंचता है, एक बंदा मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाता है, सर मैं आपका ड्राइवर, सर ये आपकी गाड़ी। सर प्लीज अंदर चलिएगा। एक और शख्स हाथ बढ़ाता है, सर मैं आपका खानसामा। एक और शख्स हाथ बढ़ाता है, सर मैं आपका असिस्टेंट, सर ये आपका दफ्तर, सर बताएं ऐसी चला दूं, सर चाय चलेगी, कॉफी पियेंगे, सर खाने में क्या चलेगा, सर ये आपका दफ्तर है, ये आपका शहर है, यहाँ पे फैसले आपने करने हैं। खाली कागज पे दस्तखत करता है, अरे उस लड़के का दस्तखत ऑटोग्राफ बन चुका है। अब उस शहर के लोगों के फैसले यही करता है।
आप यकीन करेंगे, वो मकान जो मैंने देखा था अब सही मानों में घर बन चुका है। अब वो घर भी, उसका रास्ता भी, उसका उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम खेत भी इसके। अरे बाप ने गुर्बत में अपना भाई घर बेच दिया था, घर खरीद लिया है, मुनासिब दिन का इंतजार है कि मैं अपने अब्बू का हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। अब्बा जी, यही था ना आपका घर, आज से ये घर दोबारा से आपका है। वही शख्स जिसको अलग कर दिया गया था, कि जिसके आने पे, कि जिसके होने पे इन बड़े लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, आज उन्हीं महफिलों में, आज उन्हीं लोगों में मेहमाने खसूसी बना के बड़ी नशिस्त पे बिठाया जाता है, आज लोग सलाम करते हैं। मैंने कहा आज अपने उस शहर के लोगों का फैसला करता है, उनकी शिकायतें सुनता है, उनकी मदद करता है। मैंने कहा जिंदगी ऐसे बदलती है। और ये कहानी किसी ड्रामे पे मबनी नहीं है, बल्कि मेरे अपने एक दोस्त की कहानी है, जिसने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल डाली, अपना स्टेटस बदल डाला। आज लोग उसके एहतराम में खड़े होते हैं, आज लोग अपनी खुशियों में, अपनी तकरीबात में मधु करते हैं। मैंने कहा जिंदगी ऐसी बदलती है, लेकिन अगर आपके दिल में चाह हो,